देखिए मस्जिद है हमारे पास में, और इधर रात को तरावी होता है। रात को 1 बजे जैसे मतलब तरावी स्टार्ट होता है, 4 तरावी, और इशा के टाइम 4 तरावी हो जाता है। तो अभी कितना बजा है देखो, 12:45 आ गया। और ये मेरी माँ की फ़ोटो है माशाल्लाह, और ये मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अभी हम जा रहे हैं तरावी पढ़ने, आज 27वां तरावी है। और इंशाल्लाह ये मस्जिद आज भी हमारे पास में, उसमें आज इंशाल्लाह कुरान पूरी मुकम्मल हो जाएगी। तो अभी चलिए मस्जिद चलते हैं, मैडम को अभी लेके जा रहा हूँ, अभी बस मैडम आने वाली है। एक किलोमीटर दूर तक पूरा गाड़िया का पार्किंग लग रहा है इधर, माशाल्लाह पूरा इधर पार्किंग ही पार्किंग है। 1 किलो तक पूरा पार्किंग लग रखा है। और अभी तरावी स्टार्ट हो गया, तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर। देखो माशाल्लाह, ये मस्जिद आजमी है नाम है इसका। रात के भी 2 बज गई, 2 घंटा लगा था, और माशाल्लाह तरावी हो गई और कुरान मुकम्मल हो गई। तो नमाज के अंदर मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि नमाज के अंदर था इसलिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सभी की दुआ कबूल करे। तो अभी जा रहे हैं घर पे, सैरी करेंगे। माशाल्लाह दुआ कम से कम आधे घंटे का दुआ होता, तो अभी कितना ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अभी सैरी का टाइम भी हो रहा है क्योंकि 3 बज गया, हम लोग इधर 1 बजे आए थे, 1 बजे तरावी स्टार्ट हुआ था, तो अभी 3 बज रहा है, 3 बजने में 1-2 मीटर बाकी है। अभी घर पे जाके सैरी करेंगे, और ट्रैफिक भी बहुत है क्योंकि बहुत 1 किलोमीटर तक गाड़िया की ट्रैफिक हो गई थी, 1 किलोमीटर तक। अंदर गाँव भी था, खजूर भी था, सब कुछ था। और अभी इंशाल्लाह जाएंगे घर पे, शेयरिंग करेंगे। मतलब माशाल्लाह सेम ईद का नमाज हुआ है, जैसे ईद का नमाज हुआ है वैसे। अभी रात का 3 बज रहे है, जैसे सेम ईद का नमाज हुआ है वैसे। ट्रैफिक था इतना, सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला रखा है इधर। ये देखो ये मस्जिद है, अभी 3 बज रहा है, सॉरी 2 नहीं 3 बज रहा है। अभी देखो कितना जाम है, पूरा मस्जिद फुल हो गया था, बाहर से भी अंदर से भी। और अभी तरावी हो गया, अभी सब आदमी जा रहे हैं सहरी करने। आज 27वां रात था इधर, 27वीं रात जगी जी थी। तो अभी सब आदमी अपने अपने घर पे जा रहे हैं, तो अभी हम भी जा रहे हैं घर पे। ओके, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।